सो क्वेश्चन है, जी कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, और एफ एक फंक्शन है जी से सी के बीच में, एनी फंक्शन। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो सम है एफ ए रन ओवर जी एंड दिस एफ ऑफ ए बी वेर ए रन ओवर जी वेर बी इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी, दिस टू वैल्यूज आर सेम, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए जी फाइनाइट है, राइट, तो जी फाइनाइट है तो जी में लिख लेते हैं ये सारे एलिमेंट्स। जी को हम ये ले लेते हैं, ओके, और कोई भी एलिमेंट अगर आप बी चूज करते हो जी से, देन ये जो सेट है जी नॉट, ए वन को सारे बी से गुना करेंगे, जी के जितने एलिमेंट है सबको बी से गुना कीजिए, तो फर्क पड़ेगा ये पूरा का पूरा जी के बराबर हो जाएगा ना। आवाज दो, बैक कैंसिलेशन लाओ, राइट, क्यों, दिस आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्योंकि अगर कोई ए आई बी ए जे बी के बराबर हो गया फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लाओ ए आई इक्वल टू ए जे हो जाएगा, राइट, वो कंट्रडिक्शन है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है ना। आवाज दो, तो आपने कोई एलिमेंट अगर बी पिक करा है और वहां से ऐसा चीज अगर आप कर रहे हो तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो दिस एलिमेंट इज फिक्स्ड। तो कोई ग्रुप है वहां से कोई रैंडम एलिमेंट पिक करा और उससे सारे एलिमेंट को गुणा किया तो सारे एलिमेंट आपके डिस्टिंक्ट होंगे, और तो ये आ गया डिस्टिंक्ट, यहाँ जितने एलिमेंट है सब डिस्टिंक्ट है, पहला ऑब्जर्वेशन नंबर वन। नंबर टू, दिस इज इक्वल टू दिस, वाई, सो सिंस जी इज ग्रुप, ये ग्रुप है एंड तो इस वजह से जो जी नॉट है वो जी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जी से कोई भी दो एलिमेंट का गुणा करेंगे जी के अंदर होगा, तो जी नॉट जी के अंदर चल गया, और साथ ही साथ जो कार्डिनलिटी है दोनों की वो बराबर है और फाइनाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है बिकॉज यहाँ जितने एलिमेंट है उतना ही यहाँ एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी एलिमेंट थे उसी को हमने एक फिक्स एलिमेंट से गुना किया और वो सब डिस्टिंक्ट निकल गया, तो कार्डिनलिटी दोनों का मेंटेन्ड हो गया, राइट, हाँ ना, आवाज दो सब, इज दैट क्लियर, यहाँ तक ठीक सभी को, बहुत बढ़िया। तो ये सेट की कार्डिनलिटी इसी के बराबर हो गई, सो हेंस जी नॉट इक्वल टू जी। तो ये जो हमने जी नॉट इक्वल टू जी लिखा इसके पीछे का ये प्रूफ है। नाउ अब इतना हम लोग ने कर लिया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको वो दिखाना है। नाउ अगर हम ये समीशन देखें पूरा रन हो रहा है एफ ऑफ ए बी, तो देख रहे हो ये ए बी यहीं से आ रहा है ना, दिख रहा है ग्रुप के हर एलिमेंट को बी से गुना करने के बाद जो रन हो रहा है, दिख रहा है आपको, हाँ ना, आवाज दो, कैन यू सी इट, हाँ जी। तो आगे अब नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यस क्या होगा, कुछ बोल नहीं रहा सो दिस इज नथिंग बट लाइक दिस, राइट, एनी प्रॉब्लम, एक्स बिलोंग्स टू जी नॉट, यही है ना, सेम है ना, कोई अंतर है दोनों में, जी नॉट तो जी के बराबर है, जी नॉट यही है ना, और जी नॉट मेरा किसके बराबर है, आवाज दो, किसके बराबर है, जी के बराबर है ना, आ गया ना दोनों बराबर, है ना, अब उसी का नाम आप ए बोल दो, दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड, समझे एवरीवन, देखो आवाज देना चाहिए, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है बस, क्या घुमाएगा ये, कितना घुमाएगा, दैट्स अ प्रूफ, राइट, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल बी, है ना, आवाज दो, बस चीजों को थोड़ा सा करेक्ट करना है अच्छे से, देखिए आपके सामने आ गया आंसर। तो यहाँ पे हमने हर चीजें यूज करी है, फाइनाइटनेस यूज किया है, ग्रुप इज फाइनाइट की यूज हुआ, अबेलियन कहीं यूज हुआ है, अबेलियन हमने कहीं यूज किया है यहाँ पर, तो
अगर आप हमें नॉन अबेलियन ग्रुप देंगे तो भी स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट? समझ में आया? हेलो, आवाज दो। अगर आप हमें नॉन अबेलियन ग्रुप दोगे तो भी सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीवन बोलिए। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है?